अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप आप हरी से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है काफ़ी अरसे के बाद चैनल पे वापस आया हूँ मैं। पहले रमज़ान चल रहे थे, फिर इतकाफ, और फिर उसके बाद कुछ और रोज़े। तो आज हम आए हैं एक जो है ये अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, ट्रैम्पोलिन, ओपन ट्रैम्पोलिन। और यहाँ पे ये सारा वो सैंड वाला सिस्टम, और यहाँ पे ये ट्रैम्पोलिन। और वो सामने देखें, वो ट्रक है, वो ट्रक की राइड भी करते हैं छोटी सी। चलें आ जाएं, दिखाते हैं आपको। काफ़ी जो है ना ठंड लग रही है, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये चेंज हो गए जी कपड़े, चलते हैं, लेट्स गो। ये है जी बच्चा टाइम। ओए रहीम, अच्छा जी, फॉरवर्ड बैकवर्ड शो मी। ऑलराइट राइट राइट राइट, ये है जी बड़े का टाइम। ये ट्रैक्टर है, और ये देखें जी, राहिम इस तरफ से आओ। ये देख, ये ऐसे बच्चों के लिए ना जबरदस्त किस्म का प्ले एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। बताओ क्या कर रहे हो? वाटर स्लाइड बना रहे हो? अच्छा, सैंड के साथ पे कर रहे हो? चलो 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 चलो, यहाँ से चलो ऊपर। चल 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 फारिस, लो जी बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है जी, सही जगह पे लेके आए बच्चों को, इनको थकाते हैं जरा। फुटबॉल वाला जो है एरिया बनाया है इन्होंने, यहाँ पे आके आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं। आज वेदर थोड़ा सा ना बैड हो गया, मेरे जहन में था कि आज थोड़ा सा क्लाउडी है, इस ओके, पर यहाँ पे रेनी भी है साथ, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ना ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, ये एरिया जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, ये गोल्फ है, क्रेजी गोल्फ के नाम पर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें जी, लोग गोल्फ खेल रहे हैं, काफ़ी जो है ना एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं इस पार्क में ना, ज़बरदस्त है। दूर से पार्क कैसे लगता है ये? और ऐसे नहीं खेलते इसको, मैं बताता हूँ। लेकिन ये ट्रैक्टर जा रहा है, तो इससे जाके बैठते हैं
और देखते हैं कि इसकी चाल कैसी है। ले जी, गोल्फ अमीर लोगों की गेम है, हम भी आज अमीर हो गए हैं। चलें जी। ज्यादा ही अमीर हो गया, बाहर निकल गया। नहीं जी। वाओ! ये देखें, ये पहले दिखा दें इनको, तीन बैग चैलेंज है, फाइव बैग्स पर पर्सन है, तो ये हमने गुड लक के लिए डालने हैं। चल फाड़ी से, मैं बैठा ही। ओ वाह, मेरा तो एक चला गया, ये दूसरा भी चला गया। ओ तीसरा बीच में रह गया भाई, और चौथा भी चला गया, पांचवा भी चला गया। सही बच्चा वाली गेम है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता भाई। ये देखें जी, इस तरह का ये ट्रैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, पूरी विलेज देता है, वाइब देता है जी। ये देखें राहिल, आर यू एक्साइटेड फॉर इट? ओह, इट्स क्रेजी। लो जी, ट्रैक्टर ट्रैक्टर जा रही है जी। वेरी गुड राहिल। अरे वो जी जो आगे जो बैठी हुई लड़की, वो फुल डर गई है। ये नहीं, पूरा जो है ना वो पूरा देहाती वाला सीन जो है वो इस टाइम चल रहा है। पूरा ट्रैक्टर के साथ जो है ना वो फुल टाइम एंजॉय हो रहा है, मज़ा आ रहा है जी। ले जी, इसने हमें जो है यहाँ पे ला के छोड़ दिया है। ले जी, ये बैग भी हम यहाँ पे छोड़ गए थे कि यहाँ से आके ले लेंगे। लेट्स गो। Are you sure? Yeah. 1, 2, 3. Oh. I'm going to win it. Yeah. Rahim. Lucky. Lucky asana, bahut mushkil hai bhai. यहाँ पे वेदर बहुत जो है ना गंदा सा वेदर हो गया था। खैर पाकिस्तान में तो लोग इंजॉय करते हैं, यहाँ पे जो जब भी बारिश होती है ना साथ में ठंड भी आ जाती है, हवा भी बहुत तेज़ होती है, तो आउटडोर जो है ना स्पेशली जो है ना आउटडोर जब हो तो सनी वेदर होना चाहिए। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कहा यार थोड़ी सी ना गर्मी आ गई है तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज इतना अच्छा रहा, लेकिन हमने इंजॉय खूब किया इस जितना भी हमारे पास टाइम था। तो कैसा इंजॉय किया रहीम? अच्छा इंजॉय किया। हाउ द कॉफी? कॉफी ओके? हाँ ओके, वी कैन सी दैट देन। लोग पूछ रहे थे इत्काफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई। इत्काफ का एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त था कि आपको मैं बता नहीं सकता। एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड है, टोटल कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया। लोगों से सोशली मैं बाइकआउट किया हुआ था, बस कुरान और मैं, बस तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा। बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मस्जिद में अकेला मैं ही बैठा हुआ था, अकेला मैं ही था, तो अल्लाह के करीब होने का ज़्यादा मज़ा आया।
और लोग भी बहुत अच्छे थे, लोगों ने गिफ्ट दिए। एंड पे जब मैं 29th नाइट पे जो तो वहाँ पे हम जो है ना सब ने तोहफे दिए, मिठाई खाई, बहुत मज़ा आया, इंजॉयबल था भी। गाइस आई होप आपको ये ज़बरदस्त जगह, एक्साइटिंग जगह पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप बच्चे, आपके बच्चे हैं, आप बच्चों पे व्लॉग बनाएं। तो ये व्लॉग बच्चों के लिए बनाया, स्पेशली जिनके बच्चे हैं वो एक्साइटिंग हो के देखें। और नेक्स्ट लोकेशन पे फिर से मुलाकात होगी एक नई जगह पे, तब तक के इजाज़त दी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये शॉप है यहाँ पे, और इसके अंदर वो जो हर जगह पे एक स्पेसिफिकली उन्होंने एक वो बनाया होता है ना शॉप का, वो आपको दिखाते हैं अंदर से थोड़े सा। ले जी, अंदर से बहुत ही खूबसूरत सी शॉप बनी हुई है। यहाँ पे लोग ये देखें, काफ़ी आइटम इनके पास है। तो ये देखें, बहुत बड़ी जगह। ये बेबी स्वेयर भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और इस तरफ जो है ना, ये इन्होंने रेस्टोरेंट है अंदर। हम बाहर सर्दी में होते रहे हैं, ये देखो बाहर तो, लेकिन अंदर काफ़ी जो है ना अच्छा। लेट्स गो रहीम, बाय बाय कर दो। एग्जिट बड़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने।